हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पोर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप लोगों की अपनी क्लास में। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे छात्र? एक बार जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे और कर देंगे अपनी इस क्लास को एक बार जल्दी से शेयर। ओके ओके ओके, राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए जी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले उस क्वेश्चन का ही उत्तर ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जो मरकरी होती है उसका और कौन सा है, पारा जो होता है उसका और कौन सा है। तो आप क्या कहोगे, पारे का जो और होता है, जो अयस्क होता है, वो है सिनाबार। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो जाती है, इसके कारण जो डिजीज होता है उस डिजीज को क्या कहते हैं, मीना माता रोग, मिनी माता रोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट होप सो सभी बच्चे अच्छे हैं। प्रिया सिंह, ओके। तो प्रिया एक काम कीजिएगा, मंडे में कर लूंगी मैं आपसे बात। ठीक है बेटा, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, आते ही प्यार बरसाते हैं, निकल जाते हैं। तो भैया क्लास ही मत आया करो, क्यों आते हो इतना प्यार बरसाने? ठीक है, मत आया करो इतना प्यार बरसाने। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी प्यारे छात्र हैं, एक बार जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है, समीरन मुखर्जी, ओके। समीरन मुखर्जी कह रहे हैं मैम क्लास को टॉपिक वाइज चलाइए। ठीक है जी, मंडे से चलाएंगे आपकी क्लास को टॉपिक वाइज। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो मतलब ये है, एक्सीडेंट हो गया है और कॉम्प्लिकेटेड है भैया, अभी ब्लड चढ़ाना है, नहीं चढ़ाया तो मर जाएगा, बताओ कौन सा चढ़ाएं? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ओके, ओ पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव चढ़वा रहा है? ओके, ए बी पॉजिटिव। ओ भाई साहब, मार के रहोगे उस बच्चे को। चलो जी, तो यहाँ पे देखो जो भी इंसान है ना उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आप चढ़ाएंगे ओ नेगेटिव ब्लड। भाई देखो, सबसे पहली चीज, दो चीजें बताई थी यहाँ पे मैंने आप लोगों को, ओ ए बी और ए बी, ये जो है ये टुच्चे क्वेश्चंस हैं जिसको आप गड़बड़ कर रहे हो। मैंने आप लोगों को एक ऐसा चार्ट बताया था और इस चार्ट पे मैंने क्या बोला था कि इन सब में सबसे ऊपर कौन है, ओ, तो ये सबको खाना दे सकता है, सबसे ज्यादा रईस यही है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जब हमें ये पता चल गया कि आंसर ओ होगा, तो अब इसमें ओ पॉजिटिव कि ओ नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे, भैया जो नॉन वेज खाता होगा क्या उसका खाना वेजिटेरियन वालों को दोगे तो वो खाएंगे? मना कर देंगे कि नहीं भैया हम भूखे रह लेंगे पर हमें अपना रक्त मत दो। क्यों? क्योंकि इनके पास है एक एंटीजन RH, और अगर ये इनके शरीर में चला गया तो मर जाएगा इंसान, क्यों रक्त के थक्के जम जाएंगे। तो इस वजह से जो नॉनवेज नहीं खाता, जो वेजिटेरियन इंसान है, उसके पास क्या करेंगे, उसको उसका रक्त हम सबको देते हैं, और इसलिए ओ नेगेटिव आंसर हो जाता है। टुच्चा क्वेश्चन, गलत किया है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर टू, आंसर कीजिए। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होती है और जो कई गंभीर बीमारियों के साथ कहाँ गया, जो कई कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब सिंपल सा सवाल ये पूछा है, कोई भी एक इंसान है वो ना बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा है या फिर उसके शरीर का अंग खराब हो रहा है, तो उसके पास एक कुछ पर्टिकुलर ऐसी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाओं के पास इतनी पावर है, मतलब वो ना वो है, वो कौन सी पिक्चर है जिसके अंदर वो हर एक रूप ले लेता है, कुछ भी बना दो उसे, रजनीकांत, वो रजनीकांत है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से रजनीकांत सेल कौन से होते हैं, ब्लड सेल्स, रेड सेल्स, मेसेंजियल सेल्स या फिर स्टेम सेल्स? क्या आंसर करोगे बताओ? अभी भी ओ पॉजिटिव आंसर कर रहे हो, क्या बात है, पिटाई ना करनी चाहिए आपकी मुझे। चलो ओके ओके ओके,
चलो ठीक है मुकेश, वेरी गुड। ओके डी डी डी, तो रजनीकांत सेल्स कौन सी है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या है, जिनके पास जो कैसी हैं, जो आपकी अभी नई नई ताजी ताजी बनी है, मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं ये, जो क्या कर सकती हैं, जो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? स्टेम सेल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक डैश है। ऑप्शन नंबर वन है आपका कीटनाशी है, ऑप्शन नंबर टू है आपका स्टेरॉइड है, सॉरी विटामिन है, तीसरा है स्टेरॉइड, चौथा है एंजाइम। तो बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या है? किसकी पूछ रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो बताएं जरा कोलेस्ट्रॉल क्या है? फर्टिलाइजर, विटामिन, स्टेरॉइड या फिर एंजाइम? तो आप क्या आंसर करोगे? ठीक है, ओके 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 ठीक। सी में भी? ओके ठीक है। डी 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 मैम, कल वाला और 20 डेट वाला पीडीएफ नहीं मिला। 20 डेट का पीडीएफ तो मैंने उसी दिन अपलोड करा दिया था, कल वाला पीडीएफ आपका आज अपलोड हो जाएगा, कल मुझे मिला नहीं था वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो यह आपका एक प्रकार का स्टेरॉइड ही होता है। ठीक है, इट इज नॉट एन एंजाइम। तो ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया है गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त तो होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत कौन सा है? बताइए, जो स्टेथोस्कोप होता है जिसको हम डॉक्टर्स का हेडफोन कहते हैं, ऐसे कानों में लगाते हैं और फिर आपके दिल की धड़कन सुनते हैं कि आपके दिल में कौन सा म्यूजिक बज रहा है ना? तो वो जो दिल का म्यूजिक सुनने वाला डॉक्टर्स का यंत्र है उसको हम क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप का एक और साइंटिफिक नेम होता है जिसको हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम यानी कि पीसीजी। तो ये जो पीसीजी है, आला है, स्टेथोस्कोप है, ये कौन से नियम पे कार्य करता है? इंटरप्रिटेशन पे, रिफ्रैक्शन पे, रिफ्लेक्शन पे या सुपर इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स यानी कि जो ध्वनि है उसके अध्यारोपण पे। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो लाइट वेव्स, वो साउंड वेव्स है ना, वो इस प्रकार से सुपर इम्पोज भी होती हुई जाती हैं और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है और लगातार फिर ऐसे टकराती टकराती वो डॉक्टर के कानों तक आपकी आवाज लेके जाती है कि आपके दिल के अंदर कौन सी बातें चल रही हैं। इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि भाई एक तो सुपर इम्पोजिशन होती है क्योंकि वहां पे जो लाइट, वो जो साउंड वेव्स है वो लगातार लगातार क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसी वजह से उनको वो जो दिल की आवाज है वो थोड़ी आराम से सुनाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे सिंस पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको प्रॉपरली नहीं दे रखा है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायलिसिस। डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है? बताइए डायलिसिस जो है वह कौन से अंग से संबंधित है? हृदय से, वृक्क से, यकृत से या फिर फुफ्फुस यानी कि आपके लंग्स से? क्या आंसर करोगे जो डायलिसिस होता है? ओके डी 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 बी 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 हार्ट हार्ट है। हार्ट से? किसके हार्ट का डायलिसिस हुआ? किसके हार्ट में क्या चला गया है, ऐसे नमक वगैरह चला गया है निकाल रहे हो कि भाई उससे मैं इतना बुरा लड़ा हूं कि अब जो है क्या हो गया है, हमारा मेरा दिल खट्टा हो गया है, एसिड वैसिड चला गया उसके अंदर। अरे गधों, सॉरी, अरे मेरे प्यारे छात्रों, बीरबलों हैं तो क्यों क्यों जो है बीरबल का वो कर रहे हो? तो सिंपल सी चीज क्या कि भैया जो डायलिसिस होता है जिसको हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, तो ये जो हीमोडायलिसिस है वो आपकी किडनी पे कार्य करेगा,
जिसमें आपकी जो शिरा होती है उससे क्या करे, ओ सॉरी, धमनी से रक्त निकाला जाता है, उसको सही किया जाता है, सही मतलब साफ किया जाता है, उसमें से जितना भी सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर है, उसको निकाल देंगे और वापस फिर उसको आपकी शिराओं में भेज देते हैं, वेन्स में भेज देते हैं, ठीक है। इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ऐसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि तुमने टुच्चे क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं, हैं, जो कई बार पूछे जा चुके हैं, और वैसे कहते हो कि मैडम प्लीज जो है ना वो आप नए क्वेश्चंस लेके आओ, ऐसे चलेगा काम है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सा है? ब्लड क्लॉटिंग को पता करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, किडनी मैम, किडनी मैम, ठीक है, वेरी गुड जूली, बहुत अच्छे आंचल, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग का पता करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ओके, ठीक है, बी 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 बी, ठीक है जी, कोबाल्ट 60, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि कोबाल्ट 60 का हम उपयोग करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, निम्न में से कौन एक मछली है? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सी एक मछली है, ये बताना है आप लोगों को। हाँ, बी बी बी, सभी ने सही दिया है आंसर, जल्दी से बताओ। ओके ओके, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, ठीक, बहुत बढ़िया, चलो ओके। इनमें से कौन सी एक मछली है? क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश या सिल्वर फिश, जल्दी से बताएं कौन सी एक मछली है। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे कटल फिश की बात करती हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे कटल फिश आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे सिल्वर फिश आंसर कर रहे हैं, तो कटल फिश जो होती है वो मोलस्क होती है। क्या होती है बच्चे, क्या होती है ये? मोलस्क होती है, हिल क्यों रहा है, अच्छा, मोलस्क होती है, इसका स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको ना कटल फिश दिखाती हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये आपके कटल फिश है, लग फिश जैसी रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये आपके एक मोलस्क होती है। मोलस्क बोले तो इनकी बहुत सॉफ्ट स्किन है, ठीक है, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका मोलस्क हुआ। जो बच्चे सिल्वर फिश आंसर कर रहे हैं, यहां देखो, अब सिल्वर फिश देखो, वो क्या है, वो आपकी एक आर्थ्रोपोड होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो आपके एक आर्थ्रोपोड है, मतलब वह आपकी एक क्या है, वह आपका एक कीट है, ठीक है बेटा, क्या है वह आपकी, वह आपकी एक कीट है, कीड़ा है सिल्वर फिश, ठीक है। और कौन सा आपने आंसर कर दिया, ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, कहाँ गया हमारा पेपर, हाँ। तो अब बचा फ्लाइंग फिश और क्रेफिश, अब दोनों को देखो, यहां पे देखो, फ्लाइंग फिश, तो यहां पे एक्चुअल में ये जो फ्लाइंग फिश है, दिख रही है ये क्या है, ये आपकी फ्लाइंग फिश है, ठीक है, अच्छा। और लास्ट कौन सा एक और है आपकी, क्रेफिश, ये आपने अक्सर एक्वेरियम में देखी होगी, इमेजेस कहाँ गए इसके, तो यहां पे देखो, यहां पे
इसके भाई देखो यहाँ पे सारे क्रैब्स ही सीधा वही प्रॉन्स को ही दिखा रहे हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, यहाँ पे इसकी इमेज ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही है, तो मैं क्रे फिश के बारे में वैसे ही बता देती हूँ। आपने झींगा सुना है, झींगा प्रॉन, झींगा, तो वो जो झींगा होता है ना, एक्चुअल में हम उसको क्रेफिश कहते हैं। तो क्या झींगा जो है, क्या जो झींगा है वह आपकी एक मछली है? आप कहोगे नहीं मैम, यहाँ पे हमने वैसे भी फ्लाइंग फिश को देखा है, तो फ्लाइंग फिश क्या है? मछली है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है? फ्लाइंग फिश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आई जस्ट होप सो सभी ने अब समझ में आया होगा क्यों इसका आंसर कटल फिश और सिल्वर फिश नहीं है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ऐसे आपसे पूछते हैं कि अगर हम सिल्वर फिश को देखें तो वो कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, तो ध्यान रखना ये आर्थ्रोपोडा होती है। ठीक है, क्रेफिश है, ये भी आर्थ्रोपोडा है। ठीक, अगर मैं फ्लाइंग फिश की बात करूं तो यह पाइसिस है, यानी कि यह एक्चुअल में मछली होती है। कटल फिश आपका क्या है? मोलस्क है। एक और ध्यान रखना जहां से क्वेश्चन बनता है, वो है आपकी स्टार फिश। स्टार फिश जो है वो इकिनोडर्मैट है, ये यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का बनते हैं। ठीक, एक होमवर्क ध्यान देना, ये होमवर्क है, डॉग फिश। आपने इस डॉग फिश का बताना मुझे, क्या ये एक मछली है? डॉग फिश क्या ये एक मछली है? स्क्लोडियन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपको ये बताना है, जो स्क्लोडियन होता है, यानी कि जिसको हम कुत्ता मछली या फिर डॉग फिश कहते हैं, क्या वो एक मछली है? ओके गुर्दा, ओके यस मैम, बी 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 वेजिटेरियन हो, अच्छा जी ठीक है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ्लाइंग फिश ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? वो होमवर्क है बेटा, यहाँ पे आंसर ना दो, होमवर्क में देना ही नीचे कमेंट सेक्शन में। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फिर फ्रक्टोज है? द्राक्ष शर्करा है, इक्षु शर्करा है, यव शर्करा है या फिर फल शर्करा है? भाई ग्लूकोज की बात करते हैं, सिंपलेस्ट शुगर होती है, सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सरल शर्करा यही होती है जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सुक्रोज दो होती है, ये आपके दो ग्लूकोज से मिलके बनी होती है और ये आपकी ईंख से निकलती है। ठीक है, आप इसको ईंख से, जो आपके घर में चीनी आती है ना उसमें सुक्रोज मिलता है। माल्टोज जो होती है यह क्या है? ये आपकी माल्ट शुगर है, आपके जो भी वो होती है ना अंकुरित जो चीजें होती हैं उसमें जो मीठा मीठा होता है, मीठापन होता है, वो माल्टोज की वजह से होता है। और फ्रक्टोज ये आपकी फ्रूट शर्करा होती है। और आपने अगर देखा हो, जो शहद बनता है वो मधुमक्खी ने क्या किया है? फूल में से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है, चलो कोई नहीं। अब आप ये बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से कौन रक्ताल्पता से संबंधित है? रक्ताल्पता से संबंधित है, बताइए निम्न में से क्या रक्ताल्पता यानी कि ब्लड डेफिशिएंसी से रिलेटेड है? गुर्दा क्षति यानी कि लिवर डैमेज होना, और मस्कुलर पैरालिसिस यानी कि आपके पेशियों को लकवा मार जाए। दूसरा है निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर होना। तीसरा सीधा ही लिखा है रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया। और चौथा है जोड़ों का दर्द या और धूमिल दृष्टि। तो भाई देखो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं लीवर डैमेज की बात करूँ या मस्कुलर पैरालिसिस की बात करूँ, तो हेपेटाइना वायरस से जब आपका क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है या फिर जॉन्डिस होता है, तब आपको समस्या दिखती है। लो ब्लड प्रेशर की समस्या क्या होगी? अगर आपकी जो आर्टरीज है उनके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर ढंग से नहीं बन रहा है, दैट इज लो ब्लड प्रेशर की समस्या। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर फिर आप लोग जो है थोड़ा ज्यादा पानी को कंज्यूम करते हो, तो इस वजह से क्या होगा, आपका शरीर बहुत आसानी से इसको गेन कर सकता है। आप नमक थोड़ा ज्यादा खाते हो, इसकी वजह से पानी ज्यादा पियोगे और अल्टीमेटली क्या होगा, बेहतर तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बनेगा, है ना। तभी जिसका लो बीपी होता है उसको नमक कम कहते हैं, और जिसका हाई बीपी होता है उसको कहते हैं जिसका लो बीपी होता है उसको नमक ज्यादा कहा जाता है कि ज्यादा नमक खाइए, और जिसका लो हाई बीपी होता है उसको कम नमक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा ज्यादा नमक खाएगा तो ज्यादा पानी पिएगा, कम नमक खाएगा कम पानी पिएगा, तो कम पानी की वजह से उसके शरीर का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। ठीक,
नेक्स्ट है धूमिल दृष्टि जो होती है वह किस कारण से होती है, तो आप क्या कहोगे, धूमिल दृष्टि होती है कि भैया अगर आपकी आंखों में मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तब आपको दिखना दिक्कत करता है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, भाई अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो ऑर्थोप्लास्टी कई चीज की सर्जरी होती है। कम नमक, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आपस में बात कर रहे हो हैं ये वाले, ओके सुरभि वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जितने भी प्यारे छात्र हैं सभी क्या करेंगे, एक बार अपनी इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का अगर कोई बच्चा एग्जाम दे के आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व हुए आसानी से, क्या क्लास से मदद मिली, ये जरूर बताना अगर आप लोग दे के आए हो। मैम आप रेगुलर क्लास नहीं लेती हो हैं, ये कैसे हो गया, मैं बुरा मान गई इस चीज के लिए, अब मैं क्लास मंडे को लूंगी, अब नहीं ले रही मैं रेगुलर क्लास, अब 4 दिन की छुट्टी मेरी, ठीक है ओके ठीक है श्याम रघुवंशी वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं ऑर्थोप्लास्टी की, तो ऑर्थोप्लास्टी ओस्टियोप्लास्टी, ये ना ओस्टियोप्लास्टी है, ओस्टियोप्लास्टी जब मैं बात करती हूं तो यहाँ पे बोन की सर्जरी होगी, ठीक है। और ऑर्थोप्लास्टी की अगर मैं बात करती हूं, ऑर्थोप्लास्टी तो यहां पे हम किसी जॉइंट की सर्जरी करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, किसी जोड़ की सर्जरी करेंगे। अब देख लेते हैं यहां पे क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं जी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं, ये रीनल प्लास्टी हो जाती है। तीसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ हिप बोन, तो रिप्लेसमेंट ऑफ हिप बोन हो रहा है तो यहाँ पे ओस्टियोप्लास्टी ही पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और रुधिर आदान जो होता है यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है तो इसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो आपके किसी भी समस्या में आप उसको करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट डैश के बने होते हैं, बताइए, चलिए जो खाली खाली जो कैप्सूल्स होते हैं ना वो किस चीज के बने होते हैं। आपने देखा होगा कल हम बात भी कर रहे थे कैप्सूल की, क्योंकि कैप्सूल खोला उसके अंदर से पाउडर निकलता है, तो जो पाउडर उसके अंदर निकल रहा है, जो पाउडर उसके अंदर निकल रहा है वो क्या है बच्चे, हम क्या कहेंगे कि वह जो है आपका मेडिसिन है। लेकिन जिस कैप्सूल के अंदर वो होती है वो किस चीज की बनी होती है, 12वें का डी 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 डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल सही। तो वो किस चीज की बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपकी कैप्सूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उन पे लिखा होता है क्या कि भाई ये नॉनवेज है, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का उस पे सिंबल बना होता है रेड कलर का, ठीक है, ऐसा सिंबल बना होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉनवेज है, इसमें कुछ ऐसी चीज पड़ी है जो वेजिटेरियन लोग नहीं खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो क्या है, ये जो जिलेटिन है इसको हम किस तरीके से निकाल रहे हैं उस आधार पे ये बनाया जाता है, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हम किसको कहते हैं, इंसुलिन को, एड्रेनालिन को, एस्ट्रोजन को, या फिर ऑक्सीटोसिन को, बताइए किसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गुड, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन बहुत अच्छे बिल्कुल सही भाई, किडनी से निकलने वाला हार्मोन है कौन सा, एड्रेनालिन, इसको हम पिनेफ्राइन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पिनेफ्राइन भी कहते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कहां से निकल रहा है, एड्रिनल ग्रंथि से ही है निकलता है। चलिए जी नेक्स्ट आ जाता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताइए कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, क्या आंसर करोगे, B1, B2, B6 या B12, और साथ साथ आप बाकी इन सबके नाम भी देंगे। चलिए जल्दी से बताइए कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, B1, B2, B6 या फिर B12, DDD बिल्कुल सही आंसर, लेकिन मैंने पूछा इनके पूरे नाम तो सियानोकोबालमीन। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन वाले चैप्टर के, तो अच्छे से रट लो इनको, पिरीडॉक्सिन, B2 राइबोफ्लेविन, B1 क्या रहता है आपका, थियामिन, ठीक है। तो ये आपको सब चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ओके नीचे ये
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स, निम्न में से क्या आपसे इंसेक्ट से नहीं लिया है आपने, इंसेक्ट्स बोले तो कीटों से नहीं लिया है। आंसर कीजिए, इनमें से क्या आपने कीड़ों से प्राप्त नहीं किया है, क्या आंसर करोगे? सियानोकोबालामीन, ठीक है। लाख, पता है आपको एक ना लैक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट जिसको हम लैसीफर भी कहते हैं, ठीक है। सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म से मिलता है, सिल्क वर्म। हनी जो मिलता है वह बी से मिलता है, और ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही कीड़े हैं। लेकिन जो पर्ल मिलता है वो आपको किससे मिलता है, वो ऑयस्टर से मिलता है। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने सीडीएस का एग्जाम देखा हो या कोई बच्चे ने दिया हो सीडीएस का एग्जाम जो यूपीएससी कराती है, तो पिछले 3 बार से लगातार वो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि इसको पर्ल को घुमा घुमा के पूछ लेता है, पर्ल ऑयस्टर के बारे में, ठीक है। तो ऑयस्टर जो होता है ये कौन सी फैमिली से आ जाते हैं, तो ध्यान रखना यह है मोलस्का फैमिली से है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी फैमिली से, मोलस्का फैमिली से ये देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके, इनमें से कौन कैसे कैसे आए थे आपको यह बताना है। चलिए, सबसे पहले रेप्टाइल्स, सबसे पहले इंसेक्ट, सबसे पहले कवच वाले जीव, और फिर मैमल्स। आप हमें ये इवेंट्स जो है इनको आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में आप अपने हिसाब से लगा के बताइए, आप अपने हिसाब से लगा के बताइए कि कैसे कैसे सबसे पहली चीजें हुई होंगी। भाई देखो, अगर मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, तो क्लासिफिकेशन में आप देखते हो सबसे पहले बिना कुछ पर्टिकुलर डिजाइन वाले आपके स्पॉन्जेस है ना, इनवर्टिब्रेट पहले आए, पहले इनवर्टिब्रेट पहले आते हैं, यानी कि अकशेरुक पहले आते हैं। और इस अकशेरुक में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले मिलेंगे स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज के बाद आपको मिलते हैं क्या, टिनोफोराज, ठीक है, जिनमें से लाइट बनती है, ठीक, जैसे जेलीफिश आदि हो गई, ठीक। फिर इसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं आपके बाकी वॉर्म्स आ जाते हैं, कृमि आ जाते हैं, ठीक है, चपटा कृमि आ गया, गोल कृमि आ गया, कीड़े आ जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके कौन से, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या आएंगे आपके, इंसेक्ट्स आएंगे, तो सबसे पहले इंसेक्ट आए इन सब में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आए, फिर उसके बाद आपके कवच वाले जीव आए, ठीक है, नहीं, कवच वाले जीव से पहले आपके रेप्टाइल्स आएंगे, सरीसृप आएंगे, फिर सरीसृप के बाद आते हैं आपके कवच वाले जीव, और चौथे नंबर पे आते हैं आपके स्तनधारी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका कुछ ओरिजिन रहा होगा। इस चीज को हम क्लासिफिकेशन में अच्छे से पढ़ते हैं, तो अगर आपने क्लासिफिकेशन वाली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके उस क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय, हाँ 2, 1, 3, 4, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरा सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 2, 1, 3, 4, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो किसने दिया था, जैकब एंड मुनोड ने, वॉटसन और क्रिक ने, हर गोबिंद खुराना जी ने, या फिर नन ऑफ द अबव। मतलब ये है टुच्चा क्वेश्चन, पूछा गया है कि ये जो डीएनए है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा किसने बताया था, तो आप क्या कहोगे, ये बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर द ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, निम्न में से किसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बताइए, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, या फिर ए पॉजिटिव ग्रुप। वॉटसन एंड क्रिक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक, बहुत बढ़िया, ओ नेगेटिव, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ ग्रुप बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर
इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डैश. ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है. किसकी? नंबर वन बोन सेल्स की यानी कि अस्थि कोशिकाओं की, नंबर टू प्लेटलेट्स की यानी कि प्लेटलेट की संख्या में, तीसरा आ जाता है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में, और चौथा आ जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स में. तो जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर देंगे आप लोग इसका. अच्छा एक और चीज कि मेरी जो अब क्लास होगी बच्चे वो होगी मंडे में, ठीक है? तो अब मंडे को हम लोग मिलेंगे, लेकिन मेरी क्लास की जगह फिर कोई ना कोई और क्लास एडजस्ट हो जाएगी, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो यह कैंसर का प्रकार है जहां पे हम क्या देखते हैं, जहां पे आपके डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है? क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी काफी बढ़ जाता है किसमें? ल्यूकेमिया में, ठीक है? इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आ जाता है, और ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी कह देते हैं सीधा सीधा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, भाई जो आपका मस्तिष्क है वह निम्न में से किस चीज के लिए जरूरी होता है? बताइए, सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या फिर आपके उपरोक्त सभी के लिए? चलिए वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? जिन्होंने भी ऑल ऑफ द अबव आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? तो सोचने के लिए भी काम आता है, आपके हृदय की गतिविधियां जो है उनको भी ढंग से मैनेज करने में इसका काम होता है, और तीसरा आ जाता है शरीर के संतुलन के लिए भी. अच्छा कल ना मैंने कल के क्लास में एक बच्चे का कॉमेंट देखा था जिस बच्चे ने बोला था कि मैडम ये बताइए कि क्या ये जो क्लासेस हैं इससे जीडी की तैयारी हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपकी जीडी की, एमटीएस की, या फिर कोई भी ऐसा वो आपका बैच है जहां पे क्या चल रहा है, जहां पे आपको साइंस पढ़ना है, आपकी उससे तैयारी हो जाएगी, ठीक है? ओके ओके ओके, एक बार विटामिन बी वाली ट्रिक, ठीक है बच्चे लास्ट में करती हूँ. हे भगवान, ओरंगुटान सबसे छोटा मानव जैसा एप है, हैं? ओरंगुटान वैसा है? अरे भैया, गिबन, वेरी गुड नदीम, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे. जिन्होंने भी आंसर दिया है गिबन उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? ए जिनका आंसर है वो सही है. चिंपैंजी क्लोजेस्ट एप है हमारे, ठीक है? सबसे नजदीकी जो जानवर है ना वो हमारा वही है, चिंपैंजी ही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत तो कौन सा है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत. क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ए का वो ई का सोर्स, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, वीट जर्म ऑयल या मस्टर्ड ऑयल. तो हमने कई बार पढ़ा है कि वो जो वीट जर्म ऑयल होता है उसका उपयोग किया जाता है किस चीज में? उसका उपयोग किया जाता है आप लोगों के विटामिन ए ई की पूर्ति के लिए, ठीक है? जो आपके अलग अलग ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं ना जिसमें देखते हैं आपकी स्किन को बनाए सुंदर, तो कैसे बनाए सुंदर? उसमें विटामिन ई है. क्या किया? गेहूं को उगाया और उगा के उसके जो पत्ते निकले उसका जूस निकाला, या गेहूं को अंकुरित करके उसका जूस निकाला, वो हो जाता है क्या आपका? वो हो जाता है आपका वीट जर्म ऑयल, ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखो, चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज, भाई जीन के अंदर अगर आपका बेस सीक्वेंस परिवर्तित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग कहते हैं, इनकी प्रजनन, क्लोनिंग यानी कि प्रतिरूपण, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, या फिर ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसक्रिप्शन, बताइए, प्रतिलेखन, क्या कहेंगे इसको? बताइए क्या आंसर आ जाएगा? तो क्या कहोगे यहाँ पे कि भाई अगर किसी का बेस सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है? उसके डीएनए के अंदर ही चेंजेस आ गए, ठीक? यहाँ पे पहले एटीसीजी था, अगर ये एटीसीजी की बजाय एसीटीजी हो जाए तो क्या हो गया? इसका बेस सीक्वेंस परिवर्तित हो गया. अगर बेस सीक्वेंस परिवर्तित हो गया तो उसके पूरे शरीर में क्या हो जाएगी? चेंजेस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? म्यूटेशन होगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्विनिन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, भाई जो क्विनिन होती है जो मलेरिया के
उपचार में सहयोगी होती है, उसको हम कौन से पेड़ से उत्पत्ति करते हैं, यानी कि कौन से पेड़ से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। बार्क ऑफ सिनेमन, यानी कि सिनेमन की छाल से, दालचीनी की छाल से, ठीक, सिंकोना की छाल से, ओसियम यानी कि ओसिमम यानी कि तुलसी की पत्तियों से, या एकेसिया कैथ्यू कत्थे के छाल से। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन बताओ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शमशाद ठीक है, किरण, जूली, पवेल, यूनिक, सुरेश, मंथन, प्रिया, पल्लवी, कंचन, शिव, राजपाल, सुनीता, बहुत बढ़िया, सुशील, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, हम क्या देखेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखो, जो कुनेन होती है, वो जो कुनेन है वह किसकी छाल से मिली? सिंकोना की छाल से मिलती है, ठीक है, किसकी छाल से? सिंकोना। और यहाँ पे मलेरिया की बात करते हैं, कैसा रोग है? पैरासिटिक रोग है, पैरासिटिक डिजीज है, पैरासाइट के कारण होता है। कौन सा पैरासाइट आता है? प्लाज्मोडियम आपके शरीर में आ जाता है, ठीक है, कौन आ जाता है शरीर में? प्लाज्मोडियम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, अभी एक बच्चे ने बोला था कि मैम क्या करना है, विटामिन बी की ट्रिक्स देखनी है, तो विटामिन बी की फैमिली की ट्रिक्स देख लो एक बार फटाफट से। क्या हो जाएगा? टियारिया ने पिंटू पर बोतल फेंकना, कबूला कि भैया हम नहीं फेंकी थी, ठीक है, बहुत शरारती लड़कियां हैं। चलो, तो टिया मतलब B1, थियामिन, रिया मतलब B2, राइबोफ्लेविन, ने मतलब नियासिन, पिंटो मतलब B5 पेंटेथेनोइक एसिड, ठीक है, पर मतलब B6 पिरिडॉक्सिन, बॉटल मींस B7 बायोटिन, फेकना मींस B9 फॉलिक एसिड, कबूला मींस B12 सियानोकोबाल अमीन, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ ममता कुमारी, प्रिया ने भी पहचान लिया आपको। चलो जल्दी से बताएं एक बार, सभी बात क्लियर हुई? सभी एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आप लोगों को आराम से सारी बातें क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों ने UP SSC PET का एग्जाम दिया है तो आप लोग जो हमारा एनालिसिस चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से एनालिसिस में योगदान दे सकते हैं कि भैया पेपर में आखिर आया क्या था, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार अपने इस क्लास को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूं और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? तो आप क्या देखोगे कि भाई आप लोगों का होमवर्क है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए निम्न में से किसका उपचार होता है। लेकिन मेरे को, मैं चाहूंगी आप इससे थोड़ा ज्यादा काम करें, आप इन सब के बारे में बताएं कि इन सब में क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल किस किस चीज में होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। आई जस्ट होप सो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर देना, और जो है बाकी जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे कब? मिलेंगे मंडे को, ठीक है। बीच में जो है अपना रिविजन अच्छे से कीजिएगा और मंडे को जब मिलेंगे तो बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए यहीं विराम लेती हूँ। और मैथ्स का मास्टर बैच है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को फेस टू फेस क्लास भी लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप जो नीचे दिए गए डिटेल्स हैं आप इससे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर,
हाँ ठीक है राधे राधे। तो चलो फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे कब। हाँ हाँ जूली पूरी खबर रख रखी है। चलो तो अब यहीं विराम लेंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय।